वाओ भाई, एक सीन हो चुका है और वो ये है कि डे टू हम पहुंच चुके हैं रामपुर। तो भाई जी पहली थोड़ी बढ़िया वाटर क्रॉसिंग आई है। तो भाई कुछ ऐसा व्यू था जिसके लिए हमने अपनी बाइक को डाला मिट्टी में। So welcome back to the another vlog day 2. So आज हम निकलने वाले हैं जीबी से सांझ की तरफ, but time हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो आज सुबह थोड़ा लेट उठे क्योंकि कल की थकान बहुत ज़्यादा थी और अभी मोहन को थोड़ा काम है which is जो अवॉइड नहीं हो सकता। सो टाइम अभी हो रहा है अराउंड 10 o'clock और प्लान ये था कि हम 9 तक निकले बट 10 बज चुके हैं। तो फटाफट सामान डालते हैं बाइक पे और ऑन द वे कुछ खा लेंगे, अभी प्रोटीन बार खाते हैं और फटाफट निकलते हैं क्योंकि आज जो है अराउंड 180 किलोमीटर कवर करना है। एक बार जलोरी पास क्रॉस हो जाए उसके बाद कहीं पे रुक के कुछ खाएंगे। सो अभी तो ज़्यादा बातें हो नहीं पाएगी, निकलते हैं फटाफट हॉस्टल से। तो क्विक अपडेट दे देता हूँ कि मैं रुका था बुपर्स में एंड इट इज़ अ गुड प्रॉपर्टी, बिल्कुल एंटर करते ही जीबी में सामने ही है। सो डॉम हमने लिया था, डॉम में 6 बेड थे लेकिन कोई आया नहीं, तो सिर्फ मैं और सोहिली थे। सो वी पेड अराउंड 800 पर नाइट, सो 1600 रुपये दो लोगों के, विच इज़ प्रीटी इकोनॉमिकल एंड बेसिकली गुड। तो रूम भी अच्छा है, व्यू ओके ही है, मतलब जीबी का तो कहीं से भी जीबी देख लो व्यू इज़ ओके, ओनली जीबी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। सो जीबी बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, इतना वो सुंदर नहीं है और ना वो इतने अच्छे कैफे है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सीधा बाइक के ऊपर। सो वॉच द व्लॉग टिल द एंड, आज कहाँ पहुँचते हैं फाइनली और कहाँ तक नहीं पहुँच पाते इवन आई डोंट नो। तो क्या होगा आज कुछ नहीं पता, सीधा मिलते हैं बाइक पे। हेलो एंड वेलकम ऑन बाइक। सो निकल चुके हैं हम जीबी से टूवर्ड सांगरा या सहारन, जहाँ तक पहुँच जाए आज कंफर्टेबली एंड सेफली। तो ट्रिप शुरू करी थी 110 किलोमीटर पे, अभी 114.4 हुआ है तो 4 किलोमीटर ही निकले हैं। जैसे ही निकले वैसे वहाँ पे HRCT की, मतलब जो हरियाणा रोडवेज की बस है वो आ गई, उसके पीछे कम से कम 15-20 गाड़ियाँ टम्पू, और जीबी से निकलने में ही फिर आधा पौना घंटा लग गया। बट एनीवेज अब जो है सो है, ट्रिप इम्पॉर्टेंट है बट यार वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अब वो इसका हो मेरा हो वर्क इज़ वर्क। तो जो भी है निकलते हैं आगे और बिना रश किए फटाफट पहुँचते हैं जहाँ तक पहुँच सकते हैं। स्टॉपेज कम लेंगे रुकने के, पानी वानी पीने के, ये सब जो स्टॉपेजेज है वो थोड़ा कम लेंगे। पानी वगैरह पानी पीना होगा तो कोई रास्ते में रुक के पी लेंगे, उसमें सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन हेलमेट उतारना तामझाम उतारना वो अवॉइड करेंगे तो ही हम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, एक बार जलोरी पास के पास तक पहुँच जाऊँ फिर कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ तक देखा है तो आगे भी देखो और लेट्स फाइंड आउट कि कहाँ तक पहुँचते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि रिकॉर्डिंग बंद करूं या चलने दूं, मन कर रहा है सब कैप्चर कर लूं लेकिन ये बहुत है और आगे और बहुत है। सो अभी 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुके थे इस व्यू के साथ फोटो खिंचाने के लिए। आगे 4-5 मिनट का ब्रेक हो गया जो नहीं लेना था बट व्यू बहुत सुंदर था इसलिए बस ले लिया। सो फाइनली अब लग रहा है कि एंटर हो गए हिमालयन प्रॉपर रीजन के अंदर। सराहन सराहन, चलो भाई निकलते हैं, एक बार मैप चेक कर ले। मैप के अकॉर्डिंग ये रास्ता है 119 किलोमीटर 4 घंटे। लेट्स गो।
सो भाई ये रहा जलोरी महादेव का मंदिर और वी आर एट जलोरी पास। इट फील्स गुड ऑनेस्टली बोलूँ तो पता ही नहीं लगा कि जलोरी पास आ भी गया, मतलब मेरे को सीरियसली नहीं पता लगा कि ये जलोरी पास है, बट ठीक है इट इज़ गुड पहुँच गए। ये जलोरी गेट था, ये जलोरी का मंदिर है। सो जय माता दी, अब यहाँ तक आया है, थैंक यू वेरी मच, आगे मिलते हैं, ध्यान रखना। This is fun. क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, सीरियसली तो पहली विकेट अनफॉर्चुनेटली डाउन, पलट के करना पड़ेगा तेरे को, रुक जा रुक जा रुक जा। आराम से, न्यूट्रल में न्यूट्रल में। अरे वो स्टैंड स्लिप हो गया था, ठीक है छोड़ पर छोड़ दे उसमें गियर में। थैंक यू भाई जी। अभी सहारन सहारन हाँ हाँ चलो भाई जी, बाइक को ना डिक्लाइन पे गलती से भी न्यूट्रल पे मत कर देना। नहीं नहीं मैंने गियर में ही डाल के छोड़ी थी, वो क्लिक नहीं है। और क्लच मत दबाना, नलान पे क्लच नहीं दबाना, क्लच पूरा छोड़ के चलना, बाइक का प्रेशर बना रहना चाहिए वरना स्लिप मार जाएगी। चलो ये तो टाइट ही है तुम्हारा, सही पानी वानी पी लो। अरे यही थोड़ा ना टेढ़ा हो रहा था इसलिए मैं रुक गया। हाँ इसलिए आराम से चलो चलो चलो, पहला उद्घाटन चलो। ये मेरी बड़ी ही पुरानी आदत है, गाने लगाना भूल जाना। चलो क्या बोला जाए इस जॉब को, कि कतई खूबसूरत या क्या बोला जाए, मतलब बंदे का वर्क करने का व्यू देखो, इज वर्किंग विद अ व्यू। यार बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
नहीं आ रहा कि रिकॉर्डिंग बंद करूं या चलने दूं। मन कर रहा है सब कैप्चर कर लूं, लेकिन ये बहुत है और आगे और बहुत है। ये रोड पे पता नहीं क्या सफेद सफेद है, इसकी वजह से जो एक लुक आ रहा है ना, ओवरऑल पूरा ही अलग लेवल का लुक आ रहा है इस टाइम पे। रोड़ियाँ बहुत ज्यादा है इस रोड पे। एक सीन हो चुका है और वो ये है कि पीछे की ब्रेक का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया है या कम हो गया, आई डोंट नो, बट किसी एक वजह से पीछे की ब्रेक रिस्पॉन्स नहीं कर रही। और ये रॉयल एनफील्ड में होता है, ये मुझे पता है। तो अभी धीरे धीरे चल रहा है, आगे कहीं रोक के एक बार चेक करता हूँ कि क्या हुआ। पीछे की ब्रेक तो पहाड़ों में बहुत ज़रूरी है, लग रही है, मतलब बहुत हल्की लग रही है, बहुत ज़्यादा हल्की। खड़ा हुआ सोहेल, भाई कहीं रुकना पड़ेगा, मेरी पीछे की ब्रेक काम नहीं कर रही। क्या हुआ? मेरी पीछे की ब्रेक लग नहीं रही पूरी, ब्रेक काम नहीं कर रही। हाँ हल्की हो गई है, इसको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, कम लग रही है। मेरे भी लग तो कम ही रहे हैं थोड़े। हाँ वो हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, काफी देर से चल रही है ना। हाँ तो धीरे धीरे चलते आगे, नहीं वो अपने आप हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये सिलेंडर है ना, इसमें प्रेशर का होता है, तो धीरे धीरे चलाओ। हाँ आगे रुकते चलो, करो मैं तुम्हारी ब्रेक ठीक कर रहा recording।
सो व्हाट इज अप पीपल, एंड फाइनली हम लोग सहारन से अभी भी 66 किलोमीटर पीछे है। सो आज का जो डे था वो शुरू हुआ लेट शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया जीबी से निकलते, और उसके बाद फिर जो राइड थी वो काफ़ी नैरो रोड्स थी, तो राइडिंग की स्पीड तो ठीक थी बट कितना ही भगा लोगे और भगाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो अभी हम पहुँचे हैं अरुण कहाँ पे है, लेकिन ये एक रेस्टोरेंट दिखा था। सो जस्ट केम हेयर फॉर द लंच, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, अब फाइनली खा पी लिया है एंड विल हेड टूवर्ड्स सहारन। वहाँ पे ऑलरेडी एक होम स्टे बुक है, तो आज रात वहीं पे रुकेंगे एंड कल फिर देखते हैं कि सांगला जाना है या कल डायरेक्ट लंबा राइड करके नाको जाएंगे। तो वो जो भी होगा वो एक बार वहाँ पहुँच जाए होम स्टे पे, थोड़ा रेस्ट कर ले, सामान रख दे, देन विल डिसाइड कि क्या करना है। सो निकलते हैं अभी उस तरफ, और ये खड़ी अपनी दोनों बाइक, सो मिलते हैं बाइक पे और फिर चलते हैं सांगला, और फिर वहाँ जाके कहाँ रह रहा हूँ, क्या सीन है, क्या व्यू है, तो वहाँ जाएंगे। तो खाना पीना हो चुका है, एनर्जी आ गई है वापस, और अब जा रहे हैं सहारन। बहुत मस्त हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा वाली मस्त, मतलब तो मैं बता नहीं सकता, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो क्या मज़ा आ रहा है। छोटी छोटी ऑफ रोडिंग ना मजा तो आता है इनको करने में, कुछ भी कहो। ओहो नजारे देखो भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं रामपुर। अब यहाँ से मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, और एक घंटे की राइड आई थिंक, फिर हम पहुंच जाएंगे। ये है रामपुर। रामपुर क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, बट बाद में चलते हैं गूगल करते हैं और पता लगाते हैं कि इसका नाम रामपुर है क्यों, क्या रिलेशन है राम जी का यहाँ से। तो इसी के साथ होते हैं आज के 100 किलोमीटर कंप्लीट। टोटल हो चुका है 214.5, और मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी तो आई थिंक 114.5 या 4 ऐसा कुछ था। तो टोटल 100 किलोमीटर्स हो चुके हैं, और 100 किलोमीटर के अंदर टेरेन जो है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। कहाँ मैं हरे भरे पत्तों के बीच में पट चला रहा था, और अब कहाँ सूखा पहाड़, मिट्टी, पत्थर। तो यही सीनिक ब्यूटी है जिसके लिए जा रहे हैं। बीच में हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन बहुत ही मतलब ना के बराबर थी, बूंदाबांदी टाइप। अब बस कुछ ही किलोमीटर रह गया है, नॉट सो फार। इसको देखो फुल फील लेते हुए लौंडा, इस जैकेट की भी कहानी कुछ अलग ही है, लकी स्ट्राइक वाली। इस जैकेट ने भी आज तक साथ नहीं छोड़ा, इतनी पुरानी हो चुकी है, लेदर कहीं कहीं से फट रहा है, कोई ना कोई दिक्कत है इस जैकेट के अंदर। बट किस्मत देखो इस जैकेट की, मेरी बाइकिंग मतलब निंजा जब 650 ली थी तब मैंने पहली जैकेट खरीदी थी, उसके बाद मैंने ये खरीद ली, बीच में एक और खरीदी थी, बट ये जैकेट मैंने कभी ना बेची ना मैंने किसी को दी। अब आज सोहेल के पास जब प्रॉपर राइडिंग गियर नहीं थे, जैकेट नहीं थी, तो मेरी ये जैकेट आज काम आई, और इस जैकेट की भी अपनी किस्मत है कि ये साथ आ रही है मेरे। मैं पर्सनली बहुत चाहूँगा कि इस जैकेट को मैं पहन के फ़ोटो खिंचाऊँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट जैकेट है, बट ये ब्लैक वाला गियर जो है ये पहले से ही सेट किया हुआ था कि यही पहनना है, तो इसको पहना हुआ है। यहाँ भाई कोई VIP एस्कॉर्ट जा रहा है ये, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले भी था। इनके आगे एक डिफेंडर जा रही है, साथ में एक दो इनके और गाड़ियाँ जा रही है, पता नहीं कौन सा VIP एस्कॉर्ट है। एक तो इलेक्शंस भी है ना यहाँ पे,
हिमाचल के इलेक्शंस आई थिंक आने वाले हैं। बट भाई तू वीआईपी पे है तो है, बट आगे तो निकल नहीं रहे। गाड़ी भी बढ़िया चला रहा है भाई, Isuzu। तो ये आ चुका है हमारा चिकन करी और राइस, और साथ में आईपैड कुछ लगाते हैं देखने के लिए। तो सराहन आने के बाद यहाँ पे एक होमस्टे ले लिया था जिसकी ऑनलाइन बुकिंग ये करा ली थी। इसका नाम है, क्या नाम है, नाम बिजली का था, मधु होमस्टे। तो होमस्टे तो बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है और व्यू बहुत ही इनसेन है, बहुत तगड़ा है। टाइम में सोरा आ चुके होंगे वीडियो के अंदर। तो फिलहाल खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर कुछ होगा तो शूट करके डाल दूंगा, वरना ब्लॉग को लेकर खत्म करके। कल कोशिश रहेगी नाको पहुंचने की, तो कल जो होगा वो कल पता लग जाएगा। जैसे आज सुबह बताया था कि कहाँ पहुंचेंगे, वो पहुंच के पता लगेगा। तो फाइनली यहाँ पे हम लैंड अप हुए हैं। तो कल सुबह उठते हैं, बाइक साफ करते हैं और निकलते हैं आगे नाको या जहाँ तक भी जा सके। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल की राइड पे। ये बाइक एक छोटा सा लैंडमार्क है, बाकी ये जगह है रापचिक। और ये कुत्ता है शैतान सा, बहुत शैतान है कुत्ता। तो ये है नाको विलेज का रास्ता, यहाँ से अंदर जाओगे तो विलेज साइड पहुँच जाओगे। काफ़ी कम हो गया, आधे टंकी से कम हो चुका है। तो एक बार यहीं पे फ्यूल अप करवा लेते हैं, इसके बाद कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले कोई भरोसा तो है नहीं।